अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज आपके 10 मार्च दिन रविवार हो चुका है, तो आज के अपडेट्स लेंगे दोस्तों। सबसे पहले सुबह की सबसे बड़ी अपडेट्स क्या होने वाली 10 मार्च की, तो सबसे पहले दोस्तों आप बात करेंगे ऑर्डर रिजर्व, ठीक है। तो अब आपकी कल 11 मार्च को क्या होना है देखते हैं। 11 मार्च को शिक्षा मित्रों की याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। तो दोस्तों कल का दिन काफी बड़ा होने वाला है, और कल देखना पड़ेगा, सबकी नजर दोस्तों इसी पर होगी कि 11 मार्च को आखिर शिक्षा मित्रों की याचिका पर क्या हो सकता है, लखनऊ हाईकोर्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। और अभी तक आचार संहिता की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी आपको खबर की जाएगी दोस्तों, ठीक है। जैसे किसी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी, इंतजार करना पड़ेगा चुनाव खत्म होने का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बच्चों को फिलहाल इंतजार करना ही पड़ेगा चुनाव खत्म होने का, और लास्ट में सरकार लेके एक बड़ा फैसला। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि सरकार को एक बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए आपके पक्ष में, और जल्द से जल्द आप लोगों को ज्वाइनिंग देनी चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चे को फायदा हो सके। तो दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है, अगर उसे सच में आपको नौकरी देनी है दोस्तों 60-65 या किसी भी पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है दोस्तों, और जल्द से जल्द इस वैकेंसी को भरा जा सकता है। लेकिन इतने मामले अब बीच में आ चुके हैं जिससे कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है दोस्तों कि 60-65, 40-45 दोस्तों, क्योंकि अभी जो शिक्षा मित्रों का नया केस आया है वो 60 और 65 के विरुद्ध ना होके वो सिर्फ B.ED के खिलाफ आ चुका है दोस्तों। कि अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा, कल की सुनवाई काफ़ी अहम होने वाली है कल का दिन, क्योंकि कल सोमवार है, कल आपका कोर्ट खुलेगा, और हो सकता है कि आपकी कोई अपडेट आ सके कि आपका जो ऑर्डर रिजर्व है और उसकी कोई डेट आ सकती है दोस्तों कि आपका फैसला कब तक सुनाया जाने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर ऑर्डर कब तक आएगा। देखिए ऑर्डर की न्यूज़ सभी को चाहिए, और काफ़ी बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं सर ऑफिशियल ऑर्डर कब तक आएगा, ऑफिशियल ऑर्डर कब तक आएगा, और ऑफिशियल ऑर्डर में ऐसा क्या लिखा जो इतना समय लग रहा है। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि ऑफिशियल ऑर्डर में क्या 60-65 के साथ ही कुछ लिखा है या इसके विरुद्ध लिखा है। दोस्तों देखिए दो न्यूज़ हो सकती है, या तो 60-65 के साथ होगा या 60-65 के विरुद्ध होगा, ये तो आप लोग को भी पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि आपका ऑर्डर 60-65 के पक्ष में आ सकता है। रीज़न यही है कि सरकार इसके पूरी तरीके से इसका सपोर्ट कर रही है, और जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके 60 और 65 का ही है। तो आज 10 मार्च जो आज आपका संडे है, तो आज आपका फिलहाल कोई ऑफिशियल वर्क नहीं होगा, आपको पता है हर जगह हॉलीडे होता है, छुट्टियां होती हैं, तो जो काम होगा वो कल ही होगा। तो एक दिन का इंतज़ार हमें फिलहाल करना ही पड़ेगा दोस्तों, और कल हम सबसे पहले सारी अपडेट्स लेंगे कि कल क्या होने वाला है। देखिए इस समय चुनाव का माहौल है आप लोग को पता है, और काफ़ी वादे किए जा रहे हैं सभी पार्टियों के द्वारा। तो चुनाव के माहौल में दोस्तों अभी फिलहाल आपके लिए कोई ऐसा अपडेट नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चुनाव का टाइम है और आप लोग को जल्द से जल्द नौकरी देके आपकी सीट्स भर दी जाएंगी। दोस्तों सभी को उम्मीद थी कि 69,000 की जो वैकेंसी है ये फरवरी माह में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। इसकी दो बड़ी वजह थी कि दोस्तों सबसे पहले बड़ी वजह क्या थी, पहली ये वाली थी कि जो इतने ज़्यादा केसेस हो गए इसमें तो सरकार के भी हाथ बंद चुके थे दोस्तों, और कुछ नहीं कर सकती थी। आपको पता होगा जो दोस्तों इसमें बच्चे पास होंगे मैक्सिमम वो होंगे 50 से 60 हज़ार बच्चे जो पास होंगे 60-65 में। तो मतलब दोस्तों ये होता है इसका कि 3.5 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर इतने बच्चे दोस्तों फेल तो नहीं हो रहे लेकिन 60 और 65 के दायरे में नहीं आएंगे, तो सरकार ने भी सोचा होगा इतना बड़ा नुकसान हो सकता है उनको 3.5 लाख वोटर्स का, और वो अगर वो 60-65 में ज़बरदस्ती जल्दबाजी में अगर वो फैसला ले आते तो उनको एक बड़ा उसकी कीमत चुकानी पड़ती दोस्तों। इसलिए हो सकता है कि ऑर्डर को रोका गया, और उम्मीद है कि दोस्तों आचार संहिता के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता आप लोग को पता है, लेकिन ऑर्डर आचार संहिता में सुनाया जा सकता है। तो ऑर्डर तो आएगा ही, लेकिन देखने वाली बात होगी दोस्तों 3.5 लाख बच्चों की बात है, तो उम्मीद एक बड़ी है, और देखना होगा कि दोस्तों किसके पक्ष में न्याय आने वाला है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि दोस्तों दोनों पक्ष पूरी तरीके से तैयार है, सरकारी पक्ष और आपका, सरकारी पक्ष एक है पहला आपका, और दोस्तों जो दूसरा शिक्षा मित्रों का पक्ष है वो भी पूरी तरीके से तैयार है कहाँ पर जाने के लिए, आपको दोनों पक्ष डबल बेंच जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, ठीक है।
अगर 60 और 65 के पक्ष में फैसला आता तो आपके शिक्षा मित्र भाई बहन सबसे पहले जाएंगे आपके लिए डबल बेंच। अगर ये फैसला शिक्षा मित्रों के साथ आता है, ठीक है, तो आपकी सरकार जाएगी डबल बेंच। मतलब कुल मिला के डबल बेंच किसी न किसी को तो जाना ही है। अगर बीच का रास्ता निकलता है दोस्तों, अगर मान लेते ये कटा 50 और 55 या 50 और 60 के मध्य आती है, तो क्या कोई पक्ष डबल बेंच नहीं जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर गलत होगा, इसका आंसर ये होगा, तब भी आपके शिक्षा मित्र भाई बहन डबल बेंच जाएंगे। अगर जब तक उनकी कटाप 40 से 45 नहीं होती दोस्तों, तो वो हर कीमत पर डबल बेंच जाना ही जाना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी भर्ती हो सकता है रुकी रहे किसी केसेस के चक्कर में। जो केस होते दोस्तों और एक लंबे समय तक चलते हैं, तो सभी बच्चों का एक अच्छा नुकसान होगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से, जो बच्चे नौकरी कर रहे थे और जो नौकरी कर सकते हैं, तो वो अपनी नौकरी करते रहे। हो सकता है यहाँ पर एक लंबा समय लगे दोस्तों, क्योंकि अगर आपका आचार संहिता कल से लागू हो जाती है, आज शाम तक लागू होती है, तो आपकी नौकरी तो फिलहाल नहीं लगने वाली कुछ महीनों तक इधर। तो आप लोग अपनी नौकरी अगर कहीं कर रहे थे, जैसे भी थे, आप लोग अपना कार्यकार चालू करिए और इसके लिए बिल्कुल भी इंतजार मत करिए दोस्तों। हम यही आपको वीडियो के माध्यम में कहना चाहते हैं, इसका आप वेट मत करिए, आगे बढ़िए। अगर कोई अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप अपडेट्स पाते रहेंगे। टीवी है जहाँ, लेकिन टीवी में तो कभी आपका शायद दिखाता ही नहीं, जबकि 400,000 बच्चों की बात है दोस्तों। अगर दिल्ली में एक छोटी सी भी बात होती है तो वो न्यूज़ बन जाती है पूरे इंडिया में, लेकिन यहाँ 400,000 बच्चों के साथ दोस्तों यही होता है ना दोस्तों कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। लेकिन ठीक है, आप लोग की जीत होगी, सबको पता है दोस्तों, जीत हमेशा बच्चों की ही होती है। कि और आपको बता दें, आज तक जितनी बार भी सरकार ने केस लड़ा है वो अधिकतर हारी है। तो इस बार उम्मीद की जा सकती है दोस्तों सरकार का पक्ष जीते, क्योंकि 12,460 में भी बच्चे लोग जो जिन्होंने केस किया था वो सरकार से जीत के अपनी नौकरी पाई थी, और 68,500 में जो इससे पहले वैकेंसी हुई थी जिसमें सरकार ने 30 और 33 का पक्ष रखा था, जो कि 30 और 33 का पक्ष भी हारा था। तो सभी बच्चों की ये उम्मीद है कि 69,000 में क्या सरकार 60 और 65 के पक्ष में जो फैसला चाहती है, क्या उसमें सरकार सफल होगी, सरकार जीतेगी? तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि पहली बार अगर ऐसा होगा कि सरकार जीतेगी, तो दोस्तों देखने वाली बात होगी क्या इस बार 60 और 65 का पक्ष आएगा या नहीं आएगा। तो कोई भी पक्ष दोस्तों जीते, लेकिन जीत स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फैसला, ना कि सरकार की जीत हो ना तो कोर्ट की जीत हो, जीत एक विद्यार्थी की हो जिन्होंने सालों से मेहनत की दोस्तों, और उन तक एक अच्छा रिजल्ट पहुँचे, जो बच्चे और पढ़ाई करते हैं उनका मोटिवेशन बना रहेगा। अगर एक साइडेड या एक तरफा फैसला आएगा तो दोस्तों सभी बच्चे टूट जाएंगे, इसीलिए इसको रोक के रखा गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका फैसला काफ़ी सेंसिटिव है, आप लोगों को दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, लेकिन जो बड़े पोस्ट पर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको सब पता होता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है, इसलिए दोस्तों इसमें समय लग रहा है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इजी बुक या क्वांटम या क्वेश्चन बैंक, एक दिन पहले ले लेते हैं पेपर से, तो एक आप अच्छे स्कोर लाते हैं, लेकिन इस बार वो मामला अलग है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। तो आपको थोड़ा दोस्तों क्या करना होगा, वेट करना होगा दोस्तों। इस बीच आपको एक और हम बात बताना चाहेंगे कि इस समय काफ़ी बच्चे काफ़ी तरह की बातें हो रही हैं कि कट ऑफ ये हो सकती है, कट ऑफ वो हो सकती है। तो दोस्तों की आपको याद रखने वाली बात होगी कि कट ऑफ कुछ भी हो, ठीक है, कट ऑफ कुछ भी हो, अब बच्चों लोग का सब्र टूट चुका है, उनको एक नौकरी चाहिए दोस्तों। जल्द से जल्द ये जितनी जल्दी वैकेंसी भरी जाएगी उतना ही आपको फायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। जो पिछली बार याद करिए दोस्तों, 1600 से अधिक शिक्षा मित्र पास हुए हैं, जो अभी आपकी 68,500 की लिखित परीक्षा हुई थी उसमें अगर 1600 से अधिक 4,500 बच्चों में शिक्षा मित्रों का पास होना एक बड़ा संकेत है कि शिक्षा मित्रों ने पढ़ाई की है दोस्तों, ठीक है। तो इस बार जो उनके वकील काफ़ी डर रहे हैं कि काफ़ी शिक्षा मित्र फेल हो रहे हैं, तो शायद इसका उल्टा रिजल्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों उल्टा का मतलब ये है कि हो सकता हो कि इस बार भी अधिक से अधिक शिक्षा मित्र पास हो चुके हों, हो सकता है कि दोस्तों उनकी संख्या 30,000 के करीब हो, ठीक है। 30,000 तो नहीं होगी दोस्तों, अगर मान लेते 10,000 भी उनकी संख्या शिक्षा मित्रों की, तो एक बड़ी जीत होगी शिक्षा मित्रों की भी, क्योंकि इस बार का पेपर आसान तो था, लेकिन 90 से 97 नंबर कटाप तक पहुँचना एक बड़ी बात थी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन दोस्तों की और हम बताना चाहेंगे आपको, अगर कोई शिक्षा मित्र भाई बहन पास है तो उनकी नौकरी पहले लगेगी, आपकी नौकरी बाद में। वो कितने भी खराब होंगे वो नौकरी पाएंगे, क्योंकि उनको 25 अंक का भारांक मिलेगा,
ये भरांग कितना बड़ा होगा दोस्तों, जिसको आप लोग कवर करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ठीक है दोस्तों, आप तो पूरे कॉलेज का टॉपर एक शिक्षा मित्र के आज बराबरी नहीं कर सकता, अगर शिक्षा मित्र पास है 60 और 65 की कट ऑफ से। अगर दोस्तों मानते कि किसी शिक्षा मित्र के मिनिमम 90 अंक आते हैं, ठीक है, कितने आते हैं, 90 अंक का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। एक जीरो से एक जीरो कटा, 15 चौके 60, 9 गुड़े 4 दोस्तों कितना होता है, 9 चौक 36 दोस्तों। उसके बाद 25 अंक का भारांक जोड़ देते हैं, 6 5 11, 3 2 5 1 6 दोस्तों 61 नंबर शिक्षा मित्र के ऐसे ही हो जाएंगे अगर वो सिर्फ पासिंग मार्क 90 नंबर। उसके बाद अगर उसकी एकेडमिक 20 नंबर भी होगी तो कितने नंबर होने, जोड़ते हैं 6 2 8 81 नंबर। तो दोस्तों एक अच्छे से अच्छे बच्चे का भी 81 नंबर नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को शिक्षा मित्रों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसीलिए इतनी बातें हो रही कि कट ऑफ 40-45 नहीं होगी। अगर दोस्तों कट ऑफ 40-45 होती है तो लिख के ले लीजिए, हर एक शिक्षा मित्र की नौकरी लग जाएगी। तो इसी में संगठन काम कर रहा है और सरकार भी चाहती है कि एक योग्यता का पैमाना उन्होंने माना, तो उसके हिसाब से दोस्तों सभी को कट ऑफ 60 और 65 के दायरे में लाया। तो दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगी कल के दिन की, या आचार संहिता से संबंधित या आपके भर्ती से संबंधित 69,000 के, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और सभी बच्चों का दिन शुभ जाए। तो सभी को हैव अ नाइस डे।